अभी रिसेंटली एन ने वैकेंसी निकाली है जिसमें ए सी एकेडमिक और दूसरे इसी तरीके के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन वन हंड्रेड एटी वन टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लास रूम ए टीचर शुड मतलब कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए इनमें से कौन से पॉइंट हैं जो शिक्षक को करने चाहिए जहां पर कि मीनिंगफुल लर्निंग हो जाए क्लासरूम में हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन सेकेंड कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग थर्ड प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमॉन्ग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल परस्पेक्टिव फोर्थ इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लास रूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इनमें से क्या सही हो सकते हैं कौन कौन से पॉइंट होंगे ऑप्शन देख लेते हैं ए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सी फर्स्ट एंड थर्ड डी सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट ऑप्शन इज सी फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट देख लेते हैं टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लास रूम ए टीचर शुड फर्स्ट वन हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन एंड थर्ड प्रमोट डायलॉग एंड चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल तो दो यहां पर सही हो जाएंगे पॉइंट है पहला और तीसरा है वो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्लासरूम में टीचर को करना चाहिए पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट है सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर होगा यहां पर सी अगला सवाल है 182, देख लेते, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है जो पद्धति प्रभावशाली नहीं है डिस और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के बच्चों के लिए तो वो हमें पता लगानी है ऑप्शन देख लेते हैं ए motivate the students to set moderately challenging goals and provide appropriate instructional support b form collaborative groups to work on activities and encourage students to support each other c talk to the learners to understand their needs and challenges faced by them d asking the learners to enroll for tuition outside of school so that the teachers does not have to pay much attention to them correct option is

ट द स्टूडेंट टू सेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट की वो अपने चैलेंजिंग गोल हैं वो तैयार करें और उनको सपोर्ट किया जाए इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट दिया जाए तो ये सही हो जाएगा डिसडवाटेज और डिप्राइड बैकग्राउंड के बच्चों के लिए दूसरा देख लेते हैं

समस्याओं को शॉर्ट आउट किया जाए तो तीनों पॉइंट हैं वो सही बैठ जाते हैं परंतु ये गलत है क्योंकि ऐसा टीचर को नहीं करना होगा डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ये स्टर्जी है वो ठीक नहीं है सही उत्तर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर 183 फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देअर लर्निंग बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था है वो क्या काम करती है ऑप्शन देख लेते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू बी हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन सी डज नॉट हैटेंट रोल इन तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी है प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन देयर लर्निंग मतलब कि फिजिकल और इमोशनल हेल्थ है वो उनके सीखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो सही उत्तर हो जाएगा डी अगला सवाल एक सौ चौरासी इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग एनवायरमेंट इन द क्लास रूम देन डैश वन मतलब कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली स्थान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के तो क्या आना चाहिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक सामने ढूंढना है ऑप्शन देख लेते हैं ए फियरफुल फैसिलिटेटिव बी कॉम्पिटिटिव फैसिलिटेटिव सी कोलाटिव कॉम्पिटिटिव डी कॉम्पिटिटिव कोलाबरे तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी कोलाब्रेटिव कॉम्पिटिटिव इसको फिट बैठा के देखते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट कोलाबरे लर्निंग एनवायरमेंट इन द क्लासरूम रादर देन कॉम्पिटिटिव वन मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है कि सीखने के लिए कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरमेंट है वो क्लासरूम में बनाया जाए बजाय कि कंपटीशन के तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एटी फाइव विच ऑफ द फॉलोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्टर्जी टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मतलब कि निम्नलिखित में से कौन छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी प्रेरक रणनीति का एक उदाहरण है प्रभावी प्रेरक रणनीति कौन सी हो सकती है इनमें से ढूंढते हैं ऑप्शनिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉम्पिटिशन सी प्रोवाइडिंग स्पेशली वेन स्टूडेंट्स लर्न इन ए न्यू स्किल डी एम्पेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रादर देन लर्निंग करेक्ट ऑप्शन इज सी प्रोवाइडिंग स्के फोल्डिंग स्पेशली वेन स्टूडेंट्स लर्न इन ए न्यू स्किल मतलब कि उनको सहायता प्रोवाइड करनी है जबकि बच्चा विशेष रूप से नए स्किल को सीख रहा है तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन में कैसे फिट बैठ रहा है विच ऑफ द इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न की मतलब कि उनको जब नए स्किल को वो सीख रहा है तो उसको सहायता प्रोवाइड करना सही उत्तर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थिंकिंग इज नॉट करेक्ट बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि बच्चा क्या चिंतन करता है क्या वो सोचता है उसके बारे में कौन सा कथन है वो ठीक नहीं है ऑप्शन ए चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस अराउंड एंड हैव एन टू एक्सप्लोर बी चिल्ड्रन आर बोर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सो करेक्ट आंसर इज डी ये बात है वो बच्चों के थिंकिंग के बारे में गलत है चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट ऑन देअर ओन मतलब कि वो बच्चा खुद से नहीं सीखता है बिल्कुल गलत है बच्चा अपनी खुद की कंसेप्ट कोई भी चीज को अपने तरीके से सोचता है। टीचर का प्राइमरी रोल नहीं है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का रोल नहीं है बच्चा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अपना किसी भी आइडिया विचार है जो भी चीज वो देखता है उसके बारे में वो अपना एक सोच रखता है और उस सोच को सपोर्ट करना फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये टीचर का काम होता है तो ये बात है गलत है बच्चे के चिंतन के बारे में बाकी सारी चीजें सही हैं चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज टू एक्सप्लोर मतलब कि वो बच्चा है एक्टिवली जो भी वो उसके आसपास घटना हो रही है उसके बारे में वो सोचता है और उसको पढ़ना चाहता है जानना चाहता है बी में देखते हैं चिल्ड्रन आर बोर्न विद क्यूरसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम बच्चा है जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में वो जिज्ञासा रखता है तीसरा पॉइंट भी सही है सी चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस अराउंड देम बच्चा है अपने खुद के विचार बना लेता है जो भी उसके आसपास घटनाएं हो रही हैं तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन 187 लर्निंग इज डैश एंड डैश प्रोसेस अधिगम एक खाली स्थान और खाली स्थान प्रक्रिया है ऑप्शन में क्या फिट बैठेंगे ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर सिंपल इंडिविजुअल बी कॉम्प्लेक्स पैसिव, सी कॉम्प्लेक्स एक्टिव डी सिंपल करेक्ट ऑप्शन इज सी कॉम्प्लेक्स एक्टिव मतलब लर्निंग इज ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आ जाएगा और एंड एक्टिव प्रोसेस ये आ जाएगा एक्टिव होगा लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है साथ में एक्टिव प्रोसेस है लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है सही उत्तर यहां पर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर शुड डैश सोशियल, कल्चरल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लास रूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग हिंदी अर्थ देख लेते हैं अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और भाषाई विविधता को चाहिए क्या करना चाहिए ऑप्शन नेगलेक्ट, सी डिसमिस, डी इग्नोर करेक्ट ऑप्शन इज ए अंडरस्टैंड ए टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशियल, कल्चरल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग मतलब कि उसको सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए और उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए जिससे कि मीनिंगफुल लर्निंग बच्चों को दी जा सके सही उत्तर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन 189. इन ए डैश क्लासरूम टीचर्स अडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वैरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स मतलब कि एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है तो क्या वो सही है ऑप्शन देख लेते हैं सी टीचर सेंट्रिक डी प्रोग्रेसिव करेक्ट आंसर इज डी प्रोग्रेसिव इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम टीचर अडप्टेर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र में आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है तो सही उत्तर यहां हो जाएगा डी और अगला सवाल है एक सौ नब्बे चिल्ड्रंस फेल्योर इन स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दिखाता है ऑप्शन आर ए प्रूव दैट दीज चिल्ड्रंस है बर्थ डिफेक्ट एंड हैंड्स शुड बी पुल्ड आउट स्कूल

इंडिकेट्स दैट स्कूल है तो ये प्रदर्शित होता ये इंगित करता है कि इस स्कूल ने बच्चों की और उनकी रुचियों के अनुसार बच्चों को पोषित नहीं किया उनको बराबर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए उनको सही दिशा डायरेक्शन नहीं दी सीधे अर्थ में कहें तो बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाया इसलिए बच्चा फेलियोर हुआ है और यहां पर बच्चा फेल होने का मतलब है कि सिस्टम फेल होगा सही उत्तर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइनटी वन बाई वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग इच अदर चिल्ड्रन डैश समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से डैश कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा ऑप्शन ए गेट डिस्ट्रक्टेड एंड इनफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी

by working in groups teaching and helping each other children are able to reflect on their own thought processes and shift to a higher level of cognitive activity ye ho jayega sahi uttar c question number 192 school dash socialization of children बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या रोल प्ले करता है ऑप्शन देख लेते हैं A, इज ए Primary Agency of B is a secondary agency of C does not play any role in D plays very little role in correct option is B is a secondary agency of मतलब कि स्कूल इज ए सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन प्राइमरी एजेंसी है वो क्या होगी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए विद्यालय को यहाँ पर सेकेंडरी एजेंसी माना है सोशलाइजेशन के लिए सेकेंडरी एजेंसी मतलब द्वितीय श्रेणी में यहाँ रखा गया है द्वितीय संस्थान यहाँ पर रखा गया है तो प्राथमिक संस्था क्या है जहां पर बच्चे का सोशलाइजेशन होता है आपका कमेंट आ जाना चाहिए जल्दी से कमेंट करिए कि बच्चे का प्राथमिक एजेंसी क्या है जहां पर सोशलाइजेशन होता है जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए यहां पर सही उत्तर हो रहा है बी क्वेश्चन नंबर 193 हंड्रेड नाइनटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट प्रोपोज दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से व्यस्कों की अपेक्षा अलग होता है डी ले करेक्ट ऑप्शन सी जीन पियाजे जीन पियाजे ये सोचते हैं कि बच्चों का चिंतन है वो गुणात्मक रूप से व्यस्को से अलग होता है मतलब कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्टे बात है वो किसने प्रपोज की थी बताया था जीन प्याजे ने सही उत्तर हो जाएगा सी अगला सवाल एक सौ चौरान में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ऑप्शन आर ए ऑप्शन आर ए डेवलपमेंट अकर्स इन ए नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेज इज प्री डिटरमाइंड बाई जेनेटिक फैक्टर्स

क्वेश्चन नंबर 195 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड हिंदी अर्थ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन मध्य बाल्यावस्था की अवधि की एक प्रमुख पहचान है ऑप्शन आर ए रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ बी डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली सी इमरजेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले डी डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर करेक्ट ऑप्शन इज डी डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थाट दैट इज कॉन्क्रीट इन ने मध्य बाल्यवस्था मतलब की मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे में आ जाता है लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है और वो कॉन्क्रीट नेचर की होती है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइनटी सिक्स अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में क्या शो करते हैं क्या उनका करेक्टर होता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें क्या वो शो करेगा कौन से फीचर्स दिखाएगा ऑप्शन आर ए कैन नॉट कंजर्व क्लासिफाई एंड सैरियट बी बिगिन टू एंगेज इन मेक बिलीव एंड सिम्बोलिक प्ले सी आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट

करेंट सोशल सिस्टम एंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटल ऑर्डर हिंदी अर्थ देख लेते हैं लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से सकारात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित होती है ऑप्शंस आर ए द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन बी द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन सी द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन डी द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन करेक्ट ऑप्शन इज डी द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक शिक्षा है समाज नैतिक विकास के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं और आपकी परीक्षा में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे यहां पर सही उत्तर हो रहा है द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है कि बच्चा है वो ह्यूमन जो सोसाइटी है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना चाहता है सोशल सिस्टम को बनाए रखने में मदद करता है सोशल ऑर्डर को पालन करता है इसका मतलब है कि वो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में विकास को नैतिक विकास को बढ़ावा दे रहा है सही उत्तर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन 198 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट डैश मतलब कि बाल्यवस्था के दौरान विकास क्या है बाल्यवस्था के दौरान विकास किसको बोलेंगे ऑप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस बी इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड सी इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड डी इज मल्टीलेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स करेक्ट ऑप्शन इज डी इज मल्टीलेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स मतलब कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज मल्टीलेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स चाइल्डहुड में डेवलपमेंट है वो मल्टीलेयर्ड होगा और कॉम्प्लेक्स होगा सही उत्तर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर 199 जोन ऑफ नाइन डेवलपमेंट इज डैश समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है समझते हैं ऑप्शन से ए द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल्स हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स arrived at a shared understanding. b, the process in which children learn to perform tasks as set by the elder members in a society. c, the area between a child's current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers. d, a range of tasks that the child should be able to do as per her age but cannot. करेक्ट ऑप्शन इज सी द एरिया बिटवीन ए चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ अडल्ट एंड मोर स्किल्ड पियर्स मतलब कि जोन ऑफ प्रोजिमल डेवलपमेंट में बच्चा है वो अपना इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है परंतु वो ज्यादा सीख सकता है वो अपने साथियों से और ज्यादा स्किल्ड पियर्स है उनसे सीख सकता है अपना परफॉर्मेंस है वो अच्छा कर सकता है तो यहां पर जोन ऑफ प्रोजिमल डेवलपमेंट है इसमें आंसर सी सही हो जाएगा और डियर फ्रेंड्स का लास्ट क्वेश्चन है 200, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डे एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम कर्ताओं का मूल्यांकन क्या काम करेगा मूल्यांकन क्यों किया जाता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में Options are A is helpful in identifying high, low, and non achievers for the purposes of giving feedback to the parents. B is very important since it gives insights into children's understanding and helps the teacher to reflect on her pedagogy. C is not at all helpful in children's learning. D creates a hindrance in the process of children's learning. राइट आंसर इज बी इज वेरी इंपोर्टेंट सिंस इट गिव्स इनसाइट्स इनटू चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट्स ऑन हर पेडागोजी मतलब कि टीचर है वो बच्चों के असेसमेंट के द्वारा ये जान सकता है कि उसको क्या प्रोग्रेस करनी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कैसे मॉडिफाई किया जाए तो बच्चों की समझ है उसको असेसमेंट के द्वारा जाना जा सकता है और ये टीचर है वो उसको अपने खुद की स्टी है उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करती है और साथ में ही बच्चों में टैग लगाने के लिए लेबल लगाने के लिए असेसमेंट नहीं होता ये असेसमेंट होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग सही उत्तर हो जाएगा बी इस तरीके से फ्रेंड्स हमने टी ट्वेंटी के ट्वेंटी क्वेश्चन है वो कर लिए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स पार्ट के लिए क्योंकि ये क्वेश्चन पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए और अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ई एम आर एस कंडक्टेड बाई यूपीएससी केवीएस एन बी एस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सवोदय विद्यालय में अभी जो रिसेंटली वैकेंसी आई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी ये क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि उसके एग्जामिनेशन में सिलेबस में एकेडमिक पार्ट है वो रखा गया है और एकेडमिक पार्ट के लिए क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक like शेयर करें और आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस थैंक यू वेरी मच